उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के आंकड़े। 1724 पहुंच चुकी है कोरोना मरीजों की संख्या। सामने आए हैं 34 नए मरीज, देहरादून में 2, हरिद्वार में 24, टिहरी में 2 नए मरीज मिले हैं। वहीं उधम सिंह नगर में भी 4 नए मरीज मिले हैं। तो लगातार जो संख्या है उत्तराखंड में वो बढ़ती जा रही है। दून अस्पताल का वार्ड बॉय भी कोरोना संक्रमित बताया जा रहा है। तो चिंता जो है सरकार की, आम जनता की, लगातार बढ़ती जा रही है और ये संख्या बढ़कर 1724 हो चुकी है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सौरभ भाटिया फोन लाइन पे बने हुए हैं। सौरभ, 1724 अब पहुंच चुकी है कोरोना मरीजों की संख्या, लगातार संख्या में इजाफा देखा जा रहा है, पर जो नई अपडेट सामने आ रही है उसमें दून अस्पताल का वार्ड बॉय भी कोरोना संक्रमित बताया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है वो खुद चिंताजनक है। दून अस्पताल की अगर स्टाफ की बात की जाए तो अब तक जो है 13 लोगों को, स्टाफ को जो है कोरोना पॉजिटिव आया है, जिससे जो है संक्रमण और भी ज्यादा बढ़ने की संभावनाएं हो रही है। दून अस्पताल के गार्ड, नर्स, वार्ड बॉय, यहाँ तक कि जो है डॉक्टर भी जो है पॉजिटिव आ चुके हैं, जिनका जो है उपचार अभी चल रहा है, उनको आइसोलेट किया गया है। लगातार जो मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, 1724 तक जो है संख्या पहुंच चुकी है। 21 लोगों की अब तक कोरोना से मौत भी हो चुकी है। लिहाजा जो बाहर से आने वाले प्रवासी हैं जिनको क्वारंटीन सेंटरों में रखा गया है, उनके सैंपलों की जाँच जो है लगातार की जा रही है और ये भी दिशा निर्देश सरकार की तरफ से जारी है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जांच की जाए, जिससे जो है पेंडिंग पड़ी जांचों की रिपोर्ट समय से आ सके और उन लोगों को उपचार मिल सके। जो पॉजिटिव मरीज है उनको जो आइसोलेट किया जा सके। इन लोगों के आइसोलेट करने से और लोगों तक संक्रमण नहीं फैलेगा, क्योंकि क्वारंटीन सेंटरों में भी सैकड़ों की संख्या में मरीज जो है वो रखे गए हैं, लोगों को रखा गया है और उसके बाद जो उनकी निगरानी भी हो रही है। ऐसे में सरकार की तरफ से भी स्वास्थ्य विभाग को ये निर्देश है कि वो समय से जो है इनके सैंपल ले लें। जी बिल्कुल सौरभ, दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। जी बिल्कुल, बहुत जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग भी हो। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।